आप देख रहे हैं अपना समाचार। एक्चुअली राजमोहन जी का मैं वीडियो अक्सर यूट्यूब पे और फेसबुक पे देखता था और हम लोगों का चूंकि जुड़ाव पूर्वांचल से रहा है, आज हम महाराष्ट्र या गुजरात में, तो वो दर्द जो मैं आज महसूस कर रहा हूँ उस दर्द को मैंने इनके गाने में पाया। जो दो मुट्ठी एक दिन की मजूरी, तो जो भी बाहर निकला है अपनी माटी से वो 2 जून की रोटी और मजूरी के भरोसे निकला, क्योंकि उस समय बड़ा संकट था उस समय भारत में 200 साल पहले और आज भी है कई हिस्से में। तो अपने आप को मैं बड़ा कनेक्ट करता था और देखता था कि ये तो आम लोगों की भाषा है, मतलब आम लोगों का दुख दर्द है जो इन्होंने अपने गानों में डाला है। एक तरह का लोकगीत है ये, अगर इसको बोलेंगे तो लोकगीत है, क्योंकि लोक की भावना उसमें व्यक्त हो रही है और भोजपुरी की बड़ी लकीर है गाने के साथ साथ क्या इन्होंने इसको अपने लोक भाषा में गाया है। जो 200 साल पहले सूरीनाम में गए थे, जो भाषा इनको वहाँ मिली थी, ये पॉप सिंगर हैं और ये भूजल भात, मतलब बासी भात जब भूज के माँ खिलाती है उसको, ये इस पीढ़ी चौथी पीढ़ी में याद रखे हैं उस परंपरा को जीते। उन्होंने भोजपुरी भाषा में जिस कला का निर्माण अपनी संगीत में किया वो ऊँचाई से भी हिंदुस्तान महरूम है, जिसको इन्होंने सूरीनाम में जिंदा रखा। और भोजपुरी को लेकर जो एक भ्रम है, तो उस भ्रम से लड़ने की बजाय हम उसके सामने अगर एक बड़ी लकीर खींचे तो दुनिया को दिख जाएगा कि हाँ भोजपुरी में ये भी हो सकता है और भोजपुरी ये है। एक्चुअली जो असली भोजपुरी संगीत है वो सूरीनाम में जो राजमोहन जी गा रहे वही है, जो बाज़ार में प्रचलित है वो तो बाज़ार की भोजपुरी है, उसमें वो चीज़ नहीं है जो कला है, जो रंग है, जो रस है, जो स्वाद है, जो लोक की आवाज़ है। तो इसलिए जब राजमोहन जी का मुझे पता चला कि मुंबई आए हुए हैं तो मैंने इनसे समय मांगा कि आप एक हीरा हैं तो हीरा को तो प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए जौहरी के, तो एक मुंबई प्रेस क्लब में हम कार्यक्रम करते हैं ताकि यहाँ से पूरे हिंदुस्तान में इसकी आवाज़ जाए, उस हीरा को पूरा विश्व पहचाने। जो भोजपुरी आज दिखता है वो असली भोजपुरी नहीं है, राजमोहन जी जो गाते हैं वही असली भोजपुरी है। इसी उद्देश्य से मैंने ये कार्यक्रम किया था। अब तो सेंसर बोर्ड की सुषमा मिश्रा जी वही राइट होंगी बताने के लिए। हमारे हिसाब से तो वेब पे थोड़ा सेंसर लगाना, क्योंकि वो गवर्न इंटरनेशनली होता है तो हमारे ज्यूरिडिक्शन में नहीं है। अच्छी चीज़ों को हम देखें, चश्मा अच्छा लगाएं, चाय पिए तो चाय छन्नी लगा लें, चाय पत्ती अलग कर दें, चाय पी लें। तो अब चूँकि सबके हाथ में मोबाइल है तो यू कैंट स्टॉप, इंडिया की वेबसाइट बंद करोगे US की चालू हो जाएगी, नहीं चालू हो जाएगी, तो इट इज़ प्योर डिफिकल्ट टास्क। अपना चश्मा बदलें, बस हम यही कहेंगे।